आज मैं आपके सामने एक ही डो से चार तरीके के पराठे बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी गार्लिक बटर पराठा। और तो इसके लिए मैं सबसे पहले गार्लिक बटर रेडी करूंगी। इसके लिए हमें ज़रूरत है मेल्टेड बटर की। अब मैं इसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड करूंगी। इसके गार्लिक को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। मैंने 3 क्लोव्स ली थी गार्लिक की। अब मैं इसको बटर में ऐड कर दूंगी। ये बहुत ही ईजी है। अब मैं इसको इसमें स्टेयर कर दूंगी और इसमें थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स, धनिए की, फ्रेश धनिए की थोड़ी सी पत्तियाँ ऐड कर देंगे। इससे फ्रेगरेंस से इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है और लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए ये हमारा गार्लिक बटर रेडी है। अब मैं पराठा रेडी करूँगी और फिर हम इस बटर को उस पर अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और पराठा रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने एक लोई बना ली है और मैं इसे पराठा बनाने जा रही हूँ। मैं ये देखिए इसको एक अलग ही डिफरेंट तरीके से ट्राइंगल शेप का पराठा बनाऊंगी। इसमें हम कट लगा लेंगे। अब हम इसमें इसको फोल्ड कर देंगे। मैंने अपने डो में पहले से ही नमक को ऐड कर रखा है। अगर जो लोग नमक नहीं खाते हैं तब उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आप देखिए कितना अच्छे से ट्राइंगल तैयार हुआ है। तब तक हमारा तवा भी रेडी हो रहा है। तब तक हम इसको रेडी करते हैं। देखिए हमारा पराठा कितना अच्छे से बन गया है। हम इसको तवे पर डाल देंगे। तब तक मैं दूसरा पराठा भी बना के तैयार करती हूँ। आप देखेंगे कि बिल्कुल कुछ ही मिनटों में आप चार तरीके के पराठे बना सकते हैं। अब मैं इसमें घी अप्लाई कर दूंगी और अब मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड करूंगी। तो ये हमारा अजवाइन वाला पराठा रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। मैं तो इसमें कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ये हमारा पराठा देखिए वन साइड से रेडी हो गया है। तो हमने इसको पलट दिया है और हम ये यहाँ पर साथ में दूसरा पराठा भी रेडी कर रहे हैं। हम तब तक इसकी थोड़ा सा मीडियम या स्लो पर इसको कर देंगे जैसे कि आपके तवे की आँच हो। अब देखिए ये दूसरा पराठा भी रेडी हो रहा है। तब तक हम इस पर हल्का सा घी अप्लाई करेंगे क्योंकि ये हमारा गार्लिक बटर पराठा रेडी हो रहा है ना, इसलिए क्योंकि इसका भी हम गार्लिक बटर भी अप्लाई करेंगे। तो इसको बस थोड़ा सा ये तवे पे चिपके नहीं तो थोड़ा सा घी हमें इस पर बस लगाना है ताकि ये रेडी हो जाए। बट हाँ इसको आप थोड़ा सा सिम फ्लेम पर ही सेकिएगा ताकि इसमें क्रिस्पीनेस आ जाए। तब तक हम अपना दूसरा पराठा रेडी करते हैं। थोड़ा सा इसका आटा सूखा आटा लगा देंगे क्योंकि ये मेरे बोर्ड पर चिपक रहा है। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल बेल के रेडी हो गया है। तब तक हम इसको सेक लेंगे। इसको हमें थोड़ा सा प्रेशर से सेकना होगा ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। इसके लिए हमें बड़े स्पून की ज़रूरत होगी।
छोटे स्पून से ये अच्छे से नहीं होगा। तो आप देखेंगे मेरा पराठा एकदम क्रिस्पी सिक्के रेडी हो गया। तो अब मैं एक प्लेट लेती हूँ। देखिए ये मेरा पराठा रेडी हो गया। अब मैं इस पर गार्लिक बटर अप्लाई करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जो मेरा पराठा मैंने बेल के तैयार किया था अजवाइन पराठा, मैं इसको तवे पे डाल दूंगी। जब तक मैं बटर अप्लाई करूंगी इस पर, वो मेरा वन साइड से रेडी हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। गार्लिक हमें थोड़ा सा इसमें कम ही, थोड़ा सा फ्रेग्रेंस हल्के से टेस्ट है, क्योंकि गार्लिक की अपनी स्मेल और टेस्ट बहुत तेज होता है, लोगों में थोड़ा ही डालना होता है, नहीं तो इससे थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा डालते हैं तो इससे कड़वापन आने का डर रहता है। ये देखिए ये रेडी हो गया। और अच्छा देखिए आप, इधर का हमारा ये अजवाइन पराठा भी वन साइड से देखिए सिक गया है। तब तक अब हम 30 नंबर का पराठा रेडी करेंगे। 30 नंबर का पराठा आप गैस करिए कौन सा हो सकता है। ऑनियन पराठा या फिर प्याज का पराठा, तो ये हमारा रेडी हो रहा है। तब तक हम पहले इसके घी अप्लाई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छे से लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है। टेस्ट में तो फिर ये हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। खाना बनाते समय हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा खाना टेस्टी तो हो बट हेल्दी भी हो। तो मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा घी अप्लाई करूँगी और इसमें बारीक चॉप्ड अनियन डाल दूंगी, क्योंकि अनियन में हमने कुछ डाला नहीं है। तो हम इसमें अब इसी समय थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें जितने हमने अनियन लिए उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। और टेस्ट अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए ये हमें एक साइड से ही इसको फोल्ड करते हुए दूसरे कॉर्नर की तरफ जाना है, जिससे ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। देखिए रेडी हो गया। अभी हमारा पराठा तब तक रेडी हो रहा है, इसको हम पहले रेडी कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टफ्ड पराठा है और इसको थोड़ा समय लग रहा है, अदरवाइज जो भी रेडी हो जाता तब तक हम इसे रेडी कर लेते हैं। बस इस पर हम सूखा आटा लगाएंगे, जिससे ये जल्दी से हमारा रेडी हो जाए। ये देखिए देखिए हमारा अनियन पराठा भी लगभग रेडी ही हो गया है। आपने इसमें देखा होगा मेरा पराठा ना ही तो ये फट रहा है और उस तरीके से, और सभी जगह इक्वली इसमें अनियन आई है। देखिए ये मेरा दूसरा पराठा रेडी हो गया। अब मैं अनियन पराठा डालने जा रही हूँ तवे पर। तब तक ये वन साइड से रेडी होगा, तब तक मैं चौथे नंबर का पराठा रेडी करती हूँ। गैस को मैंने सिम कर दिया है ताकि पराठा अच्छे तरीके से सिक जाए, अच्छे तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी बने और उसके जो अनियन लगी है वो भी अच्छे से हो जाए।
अब मैं इससे बनाने जा रही हूँ चौथे नंबर पे लच्छा पराठा। वो तो आप जानते हैं कि लच्छा पराठा मैं कितना अच्छा बनाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें घी को अच्छे से अप्लाई कर देंगे। घी हम इसमें इसलिए अच्छे से अप्लाई कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा क्रिस्पी ही अच्छा लगता है, अदरवाइज इसमें टेस्ट तो आता है बट जो हम चाहते हैं वो चीज़ नहीं आ पाती है। तो अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। इसमें सबसे पहले हम एक फोल्ड ऐसे ले लेंगे, फिर हम इसको नीचे से ये दो उंगलियाँ डाल के ऐसे उठा के फिर ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करके ऐसे ही हम इसको पूरे जो हमने रोटी बेली थी, रोटी बनाई थी, उसको हम इसी तरीके से उसको प्लेट्स बनाते जाएंगे। कुछ नहीं, जैसे हम साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं ये बिल्कुल जस्ट वैसे ही प्लेट्स हमने देखी है बना ली है। और हम इसको ऐसे गोल शेप में ऐसे कर लेंगे और इसका ये जो लास्ट एंड होता है वो हम इसमें ऐसे दबा देते हैं। देखिए अब हम इसको देखिए इसे हमारा ये रेडी हो रहा है। आप इसमें देख रहे हो कितने अच्छे से इसमें लच्छे बन रहे हैं। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा इस पर अप्लाई करेंगे ताकि ये हमारा अच्छे से बन जाए। अब हम इसको जो हमने अनियन पराठा बनाया है आप देखेंगे कितना अच्छा सिक्के रहा है, बन रहा है। अब तक हम इसे बनाते हैं, आप देख रहे होंगे। देख अब ये तो हमारा लच्छा पराठा भी रेडी हो गया है। अब हम दोनों पराठे वन बाय वन सेक लेंगे। देखिए अब मैं इसमें घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो घी को स्किप कर सकते हैं अगर आपको घी पसंद नहीं है। घी की जगह आप ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल, जो भी आपको पसंद हो, या बटर, उसको लगा सकते हैं। ये तो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में सभी घी पसंद करते हैं तो मैं घी से ही बनाऊंगी। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ से इसको प्रेस करके सेकूंगी ताकि ये अच्छे से इसमें जो अनियन है वो भी सिक जाए। और पराठा हमारा क्रिस्पी बन जाए। धीमी आंच पर इसको हमें सेकना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये क्रिस्पी भी नहीं होगा और टेस्ट में भी उतना अच्छा नहीं होगा। और इसको जब हम ऐसे थोड़ा प्रेस करके सेकते हैं आप देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है। देखिए एकदम क्रिस्पी, देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी बना हुआ। तो ये मेरा थर्ड नंबर का पराठा रेडी हो गया। अब मेरा ये है लच्छा पराठा। तो दोस्तों आप चाहें तो अपने घर में सबकी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। एक ही समय पर एक ही डो से आप 4 से 5 तरीके के पराठे बना सकते हैं। 5वें नंबर का आप जो हम सिंपल पराठा बनाते हैं जो हम सभी बना लेते हैं नॉर्मली, तो वो हो सकता है। तो आप एक ही डो से 5 तरीके के पराठे बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें घी अप्लाई कर रही हूँ। रेडी होने वाला है, अब देखेंगे। बिल्कुल भी इसको बनाने में समय नहीं लगता है। आप चाहें तो 10 मिनट्स के अंदर अपने सारे पराठे रेडी कर सकते हैं। इसको थोड़ा धीमी आंच पर प्रेस करके सेकेंगे तो ये हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। आप देख रहे होंगे कि इसमें देखिए
लच्छे साफ साफ दिख रहे हैं। ये आप इसको प्रेस करके बनाइए, काफी अच्छा बनेगा ये। मेरा ये, मैंने गैस को बंद कर दिया और मेरा लच्छा पराठा देखिए आप कितने अच्छे से लच्छे बने हैं। और ये भी देखिए, देखिए मेरे एक ही डोसे चार तरीके के पराठे रेडी है। तो खाइए और इंजॉय।